Hello, welcome to Arbind Singh Academy, and we are discussing today about moving charges in magnetism. This is chapter 4 of class 12 physics. और इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा, लेकिन आज जो शुरुआत करते हैं तो पिछले चैप्टर से ये कोरिलेटेड कितना है ये बात बताना जरूरी है. पिछले चैप्टर में हमने किया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया था. इसमें ये पढ़ा था कि करंट जो है वो मूविंग चार्जेज है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि जो चार्ज की स्टडी है वो तब है जब रेस्ट में. यहाँ पे कह रहे हैं कि चार्ज मूविंग तो है यानी करंट कैरिंग है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म से भी रिलेटेड है. मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, इसका मतलब है कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करता होगा, और उसके संदर्भ में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी एंड हाउ इट विल बिहेव एज मैग्नेटिज्म. सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस. सबसे पहले क्या क्या कि ओर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने कहा कि जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है इसके बारे में उन्होंने डिटेल स्टडी की और बताया. हम जानते हैं कि मैग्नेट जो है, आप देखते होंगे जब आप बहुत छोटे होंगे तो आपको बड़ा मजा आता होगा, मैग्नेट कोई दे देता होगा तो आप इधर उधर जो भी है नेल चम्मच और वगैरह वगैरह चीजें चिपकाते रहते होंगे. नेल्स को चिपकाते दो मैग्नेट का दो पोल मिल जाता है तो अपोजिट पोल को अगर एक दूसरे के साथ लाते तो भी बड़े आसानी से बड़ी तेजी से चिपक जाता. जब लाइक पोल को ले जाते तो क्या होता है कि रिपेल करता. तो इस तरीके का मैग्नेट का खेल आपने खेला होगा और बचपन में आपको मैग्नेट की बड़ी सारी चीजें मिली होगी जिसका इस्तेमाल आपने देखा होगा. अभी भी आप बहुत सारी चीजों के मैग्नेट का इस्तेमाल देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रिज को खोलते हैं और धीरे से हल्का प्रेस करते हैं तो फ्रिज अपने आप बंद हो जाता है और क्लोजली टाइट बंद हो जाता है. ऐसा इसलिए कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है. उसके दरवाजे पे अगर आप देखेंगे तो रबड़ के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जो कि जा करके फ्रिज के साथ अटैच हो जाता है. फ्रिज लोहे का होता है और लोहे का वो पट्टी है, लोहा जो है निकेल कोबाल्ट लोहा जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है. इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अधिक पाई जाती है इसलिए उसको अट्रैक्ट कर रहता है. आजकल तो दरवाजे और खिड़कियों में भी लगने लगे हैं. घर के आपकी अलमारी हो ड्रॉअर हो तो उसमें भी देखेंगे कि नीचे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है और वो जाकर के दरवाजा पल्ला खोलते हैं और फिर बंद करते हैं तो अपने आप जाके चिपक जाता है और पल्ला अच्छी तरह से बंद हो जाता है. ऐसे ही कई सारे और भी ज्यादा एप्लीकेशन है मैग्नेट के जो आपके एवरीडे लाइफ में हो रहे होते हैं. कार का दरवाजा हो, फ्रिज का दरवाजा हो, अलमारी का दरवाजा हो या कई और तरह के एप्लीकेशन आपने देखा होगा मैग्नेट का जो कि आपके दैनिक जीवन में एवरीडे लाइफ में काम आता है. तो मैग्नेट ये प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नेट के जरिए ही होती है. मैग्नेट को मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है, कोई और रिपेल नहीं कर सकता. एक मैग्नेटिक मटेरियल आप एक मैग्नेट रख दीजिए और कुछ दूसरे से आप मैग्नेट को उसके करीब ले जाएंगे तो अभी बहुत दूर ही रहेगा तभी वो रिपेल या अट्रैक्ट करेगा. लेकिन अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेके जाएंगे जैसे प्लास्टिक का कोई बोतल लेके जाए उसके करीब या प्लास्टिक का कोई ढक्कन लेके जाए उस मैग्नेट के पास तो अट्रैक्ट नहीं करेगा न रिपेल करेगा. तो इस हिसाब से मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है और जिस बिहेवियर को जानने के लिए हमने मैग्नेट ही चाहिए, मैग्नेट के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता. ये बात तब तक पता थी जब तक कि ऑस्टर ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. उसने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि एक मैग्नेटिक नीडल लिया और मैग्नेटिक नीडल के पास अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था यानी एक सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा था तब उसके पास मैग्नेटिक नीडल को ले गए तो देखे कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है. मैग्नेटिक नीडल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा. मैग्नेट पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, और 10th में मैग्नेट के बारे में बताया गया कि हॉर्सू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, बार मैग्नेट, ये सब मैग्नेट के टाइप होते हैं. तो एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो एक कांच के बॉक्स में होता है और उसमें इस तरह का नीडल बना होता है और ये नीडल जो है वो एक स्टैंड पे होता है जो फ्री टू मूव हो इस तरह का, और इस तरह का ये स्टैंड होता है जिसपे वो फ्री टू मूव होता है और इसपे नॉर्थ और साउथ जो है
वो मेंशन होता है या नॉर्थ साउथ की तरफ ये हमेशा पॉइंटेड रहता है, ये कांच के एक बॉक्स में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब है कि उसके सराउंडिंग में कोई ना कोई मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ फिर उन्होंने क्या किया कि करंट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके देखा तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो रहा था। इसका मतलब है कि इसमें भी लाइक और अनलाइक पोल वाली बात है कि डिफ्लेक्शन तो हो रही है लेकिन उनकी डायरेक्शन किस तरफ हो रही है ये पता करना था। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल का बिहेवियर है वो डायरेक्शन के, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से बदल जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने करंट की डायरेक्शन को डिसाइड किया और उसको एक कहा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है यानी चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो वायर के अराउंड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है। इसका मतलब है कि मूविंग चार्जेस जो है उसका मैग्नेटिज्म से बहुत ही क्लोज का रिश्ता है और ये जो मैग्नेटिज्म है इसमें मूविंग चार्जेस का बड़ा रोल है, और मैग्नेट को हम मूविंग चार्जेस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके एक मैग्नेट भी तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो मूविंग चार्जेस के साथ साथ ही है। किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो है वो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जब किया तब ये किया कि जब की को स्विच को ऑफ कर दिया है यानी करंट जब मूव नहीं कर रहा था तब देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब करंट में डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब करंट फ्लो होगा, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर कोई वायर तभी शो करेगा यानी उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगा जब उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो नहीं होगा मतलब चार्ज मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। इस बात को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वेरीफाई किया और वेरीफाई करके एक रूल बनाया और रूल के हिसाब से एक डायरेक्शन दिया कि क्या हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को पहले देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट ये था कि जैसे ये एक बैटरी है, बैटरी में ये साउथ और ये नॉर्थ है, अब मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। जब करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे हो रही है, इस डायरेक्शन जा रही है साउथ टू नॉर्थ, तो इसमें डिफ्लेक्शन जो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, वेस्ट की तरफ हो रही है। और जब ये करंट की डायरेक्शन अगर बैटरी का पोल चेंज कर दिया, जैसे इधर प्लस है और इधर माइनस है, इसको अगर इधर माइनस और इधर प्लस कर दिया तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो गया। अब नॉर्थ टू साउथ हो गया तो जो डिफ्लेक्शन है वो ईस्ट की तरफ हो रहा है। इसी बात को उन्होंने एक रूल के फॉर्म में कहा कि जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका सबूत है कि इस वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम कैंपास को ले जाते हैं तो इस मैग्नेटिक नीडल को ले जाते हैं, कंपास को ले जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट में ही है, किसी और चीज में नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देख लीजिए कि यहाँ पे ये एक मैग्नेट है छोटा सा हमारे हाथ में, अगर ये हम की को ले जाते हैं तो पूरी तरह से इसको अट्रैक्ट कर लेता है, मैग्नेटिक मटेरियल है ये, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल था, मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे ये हम पेन जिससे लिख रहे हैं, इस पेन को ले जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये ले जाने के बाद ये तुरंत गिर जाएगा, ये गिर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करने के लिए अगर ऐसा ही हम दो मैग्नेटिक मटेरियल ले लें यहाँ पे और दोनों के अपोजिट पोल को ले जाए तो ये डिफ्लेक्ट होंगे, या चाहे सेम पोल को ले जाए तब भी डिफ्लेक्ट होंगे। मतलब इसमें डिफ्लेक्ट होना ही है अगर मैग्नेटिक फील्ड में के अंदर किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाते हैं या मैग्नेट को ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होना जायज है। इसका अर्थ ये है कि हम जब करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ की ओर हो रहा है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर हो रहा है, और जब नॉर्थ से साउथ की ओर हो रहा है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की ओर हो रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन बदल जाने से जो डिफ्लेक्शन है वो बदल जाता है। इसी को याद करने के लिए एक रूल दिया जाता है, सुनो। इसका मतलब हुआ कि जब करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की हो
तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर होगा, यानी व्हेन करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल विल बी वेस्ट टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इसी बात को सुनो, कहा गया कि साउथ से नॉर्थ, ये है साउथ ये है नॉर्थ, और डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की ओर। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स वेस्ट, एंड व्हेन नॉर्थ टू साउथ देन डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये याद रखने के लिए एक आसान सा शॉर्टकट तरीका है, लेकिन इस डायरेक्शन से बात पूरी हुई नहीं, इसको इससे पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली होता क्या है। इसी बात को एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से भी जाना जा सकता है, इसको एम्पियर स्विमिंग रूल कहते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, ये देखिए। ये कहा कि अगर इधर से आदमी ऐसे तैर रहा हो, कोई आदमी हो जिसका ये हाथ हो मुंह हो इधर की तरफ, है ना, और इधर की तरफ ये आदमी जो है वो तैर रहा हो, और तैरने के क्रम में उसका जो माउथ है इधर, इसका फीट हो, फीट इस साइड में हो, फीट यहाँ हो, हेड इधर हो, और करंट फीट से एंटर होकर के हेड की तरफ जा रहा हो, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। यानी इस बात को ऐसे कहा गया, एम्पियर स्विमिंग रूल अगर कहा जाए तो ये हुआ एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या है इस रूल के हिसाब से, इस रूल में ये कहा कि व्हेन स्विम सच दैट द करंट एंटर टू इट्स फीट and leaves his head, then deflection in magnetic needle will be towards left। ठीक है, ये होगा ऐसा, ये कि करंट जब फ्लो कर रहा हो तो इस हिसाब से एक जो डिफ्लेक्शन होगी, एक रूल मिल गया कि लेफ्ट की तरफ होगा। या ये कह लें कि इस रूल के हिसाब से भी याद कर सकते हैं कि साउथ से नॉर्थ हो तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। इसको कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, इस रूल को आप याद रख सकते हैं, और इस हिसाब से इस डिफ्लेक्शन की बात हो गई। इसका मतलब हुआ कि एक बात तो तय हो गया कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो कैसा हो रहा है, डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो उसकी एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कैसी है, तो उसकी डायरेक्शन है कि साउथ से नॉर्थ की ओर अगर हो रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर होगा। बाद में थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी कि अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखें, अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है, हो रहा है इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक सर्कुलर होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होंगे, जिसका सेंटर जो होगा वो वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस पे टेंजेंट जो होगा इस सर्कल पे कहीं पर भी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसका मतलब है कि फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, फोर्स की तो डायरेक्शन होती है,
वो फील्ड पर कहीं पर भी पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर एक सर्कुलर सर्कल लिया जाए और उस सर्कल के बीच में ये वायर हो, जैसे ये सर्कल है मान लीजिए और उसके बीच में वायर हो, तो करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे और इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये जो टेंजेंट होगा वो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये इस तरह से कि ये वायर इस तरह का होना चाहिए जो कि सर्कल पे प्लेन के प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट अगर इधर से फ्लो हो रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक फील्ड है, और फाइनली वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हेन अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अराउंड द चार्ज कंडक्टर दैट विल बी कॉन्सेंट्रिक इन सर्कल। So this magnetic field, the B, symbolic representation of magnetic field is B, can be measured in what and how? The magnitude of magnetic field depends on what factors? Magnetic field is what? Magnetic field is a space around a charge carrying conductor where force experienced by another charge body, a charge carrying conductor or magnetic material, right? So we can write it magnetic field. Now let me discuss magnetic field. What is magnetic field? The space around a charge carrying conductor. The space around a charge carrying conductor in which a magnetic force can be experienced by another magnet or magnetic material is called magnetic field, right? So we can say the space around a charge conductor where magnetic influence can be experienced called magnetic field. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एक स्पेस है चार्ज कैरिंग कंडक्टर की, और उस स्पेस में जहां मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस बाय इधर मैग्नेटिक मटेरियल और अनदर मैग्नेटिक मैग्नेट और चार्ज कैरिंग कंडक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करेगा वो फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी और ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये बात डिपेंड करेगा कि फील्ड कितनी होगी। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड कहीं है और उसमें दूसरी हम मैग्नेट लाते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर लाते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर लाते हैं या मूविंग चार्जेज वाली कंडक्टर लाते हैं तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर किसी पहले से मैग्नेटिक फील्ड वाली मटेरियल के पास ले जाते हैं तो दोनों में इंट्रैक्शन होगी या रिपल्सन होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वन दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जैसे हमने मैग्नेटिक नीडल लिया था तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड था ऑलरेडी उसके सराउंडिंग में, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर की उसके पास ले गए तो इसने भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लिया, तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा और एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है, वो बात की बात है, बट दोनों में एक फोर्स लगेगा।
उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, जिस फोर्स से या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये बात ऑर्स्टेड ने खुद बताया और उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि जब चार्ज का कंडक्टर में करंट बढ़ा देते हैं तो फोर्स जो है डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जा रहा है, यानी डिफ्लेक्शन फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये देखिए कि ये जो है अगर इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेन के डायरेक्ट जो वेलोसिटी है उसके पैरेलल हो जाती है, तो उसमें फिर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो फील्ड के पैरेलल अगर हो जा रही है तो कोई उसमें फोर्स नहीं हो रहा है। फोर्स अधिकतम तभी हो रहा है जब फील्ड के क्या हो रहा हो, परपेंडिकुलर हो रहा हो चार्ज की मूविंग। तो ये देखा कि परपेंडिकुलर अगर मूव करता है किसी भी फील्ड के, करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर अगर फील्ड है तो जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है ना, एक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कि फील्ड अगर स्ट्रांग है तो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उस पे डिपेंड करेगा। आप ज्यादा पावरफुल मैग्नेट रखते हैं तो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट भी करता है और ज्यादा तेजी से रिपेल भी करता है। तो इस तरीके से अब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। आइए इसको समझते हैं। देयरफोर द मैग्नेटिक फोर्स एफ विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। द मैग्नेटिक फोर्स एफ depends on the following factor. Factors. One, force is directly proportional to the amount of charge. Yani agar charge moving charges ka amount agar jyada ho to force jyada hoga. Force is directly proportional to the magnitude of charge. That is, F is directly proportional to Q. एक हो गया। दूसरा, force is directly proportional to the field, magnetic field applied. Field अगर strong होगी तो force ज्यादा experience करेगा, directly proportional to B. And the third thing, that this is the motion of charge particle. You see, this is the motion of charge particle, and charge particle is moving along this. This is the perpendicular to the direction of magnetic field. Magnetic field is concentric circle, so this is the magnetic field and that is the conductor of the wire, charge is moving. So this is the plane, jo jaisa main keh raha tha ki plane ke perpendicular charge move kar raha ho to jyada hoga, yani perpendicular component motion of charges. Force is also directly perpendicular to, force is directly proportional to, directly proportional to, null to the perpendicular component of charges, the perpendicular component of motion of charge particle like this. इसका मतलब है कि अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, इसका मतलब हो गया कि अगर इफ वी विद द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, in magnetic field B, and theta is the angle
मेड बाय वी विथ बी देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी साइन थीटा कंबाइनिंग दिज ऑल थ्री वी विल हैव एफ इज कंबाइनिंग ऑल अबव वी हैव एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा और एफ इज इक्वल टू के क्यू बी वी साइन थीटा वेयर इट इज फाउंड दैट के इज इक्वल टू के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड के इज इक्वल टू वन देन एफ इज इक्वल टू वट therefore f is equal to q b v sin theta ye is cheez ko thoda aur detail mein samajhte ki v velocity hai to v ke component honge ye dekhiye magnetic field b hai ye theta hai ye charge particle hai jiski motion hai v ke along ab ye theta hai to iske do component honge ek vertical component hoga iska v sin theta और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो v cos थीटा होगा इधर की तरफ तो इधर की तरफ जो होगा v परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और v sin थीटा होगा इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं तो इसको बेहतर समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं अगर ये मान लेते हैं कि ये है x एक्सिस हमारा और ये है y एक्सिस और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं z एक्सिस ये है ओरिजिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में और इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी वी है अब ये चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वी है तो वी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा यही बात हमने कहा था तो वी के दो कंपोनेंट होंगे एक इधर होगा वी कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो होगा वी साइन थीटा बी पे परपेंडिकुलर होगा जो होगा वी साइन थीटा तो फोर्स किधर लगेगा फोर्स की डायरेक्शन ये होगी अलोंग जेड एक्सिस फोर्स क्या होगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू जैसा कि अभी चार्ज अगर ज्यादा मूव करेगा ये क्यू चार्ज जो है यहां से इधर मूव कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा Q is directly proportional to F is directly proportional to field. Field का जो applied field है, उसका strength अगर ज़्यादा होगा, तो interaction ज़्यादा होगा, यानी force का repulsion और force का attraction दोनों ही ज़्यादा होगा, तो directly हो गया और F is directly proportional to V sin theta. So इसलिए ये expression बना था कि V is equal to. लेकिन force क्या है? तो F का क्या बन गया था हमारा expression? अभी बन गया था Q V B sin theta. इसका मतलब ये हुआ कि इस थीटा पे बहुत कुछ निर्भर करेगा अगर थीटा जीरो हो तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो यानी थीटा जीरो कब होगा जब ये चार्ज पार्टिकल इसी फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा अगर ऐसे मूव करने लग जाए तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इसका मतलब है कि इसमें तीन केसेज बनेंगे केसेज एक बनेगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री दोनों ही चाहे ऐसे मूव करे चाहे ऐसे मूव करे केस फर्स्ट देन एफ इज इक्वल टू क्या होगा जीरो नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस एंड दूसरा केस होगा कि जब थीटा केस टू ये होगा कि जब थीटा हम ले लें 90 डिग्री लेंगे तब क्या होगा साइन 90 मैक्सिमम होगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी वी दैट इज मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब परपेंडिकुलर होगा यही बात उतने समय से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अब फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये साइन थीटा भी है इसका मतलब है कि ये साइन थीटा किस में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में आता है कि डॉट प्रोडक्ट में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो इसका मतलब है कि इसमें वेक्टर वेलोसिटी क्या है वेक्टर है वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अगर करें या वेक्टर प्रोडक्ट करें
तो ये मिलेगा कि क्या है ये मिल जाएगा दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी फोर्स का जो एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी अगर करे तो ये मिल जाएगा एक इसका डायरेक्शन, और एफ वी क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसमें डायरेक्शन कैसे मिलता है, इसमें डायरेक्शन मिलता है जो प्लेन होती है उसके परपेंडिकुलर। वी क्रॉस बी में जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर, तो बी ए है और वी ए है, इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी, फोर्स की डायरेक्शन निकल के आएगी कि ये जो है क्यू वी बी, ये प्लेन जो है एक वी और एक बी, यानी अगर हम ये कहें कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है तो अगर ये बी है और ये है वी तो वी से बी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी उंगलियों को ले जाएं और वी से बी की तरफ क्रॉस करें तो क्या होगा, इधर से इधर की ओर अगर इसको घुमाएंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो थंब का डायरेक्शन जो होता है वो दिखाता है कि फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसी बात को कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या होता है जरा समझिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ये कहा कि अगर ये लेफ्ट हैंड है इसको स्ट्रेच करें ताकि ये तीनों परपेंडिकुलर हो, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो और इसके इसके बीच में भी 90 हो, इसके बीच में 90 डिग्री हो। मीन्स इफ यू स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर फोर फिंगर जिसको कहते हैं, ये फोर फिंगर है, सेंट्रल फिंगर दैट इज मिडिल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिगर दैट इज मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। सो ये कहें कि अगर इस तरीके से हम कहें तो ये मिलेगा इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन मिलेगा किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये समझते हैं। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट है जो भी आप कह सकते हैं मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस इज दिस मच। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा नहीं है कि रूल सिर्फ ये लेफ्ट हैंड रूल से ही निकाला जा सकता है, राइट हैंड रूल भी है फ्लेमिंग का जिससे हम फोर्स पे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उसमें ये कहा गया जो हमने ये फिगर बनाई थी उस फिगर के हिसाब से इसको राइट हैंड के जो उंगलियां हैं उसको चारों को ऐसे स्ट्रेच करो डायरेक्शन ऑफ इसमें और इसमें इसको घुमाओ फील्ड की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट में। ये वी क्रॉस बी है ना, तो वी का मतलब ये हुआ और बी का मतलब ये है, तो वी क्रॉस बी करने का मतलब ये हुआ कि वी को बी की तरफ ले आओ। राइट हैंड में ये वी को बी की तरफ ले आओगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो होगा इसके नीचे की ओर, यानी इनवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर अंदर की ओर डायरेक्शन होगा इसका फोर्स का, अगर वी क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा। और लेफ्ट हैंड रूल से भी यही कर रहे हैं, तो ये जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो है अगर ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो जेड एक्सिस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो डायरेक्शन को, ये भी इनवर्ड ही होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों से ही हम निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का उसमें भी यही है, दोनों तरह से बातें कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज जब दो अलग अलग चार्जेज हो तो उसमें आपका ये रूल कैसे लागू होगा जरा देखिए। ये राइट हैंड रूल में भी यही बात कही जा रही है कि आपको डायरेक्शन ऑफ ये जो है ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन फ्रॉम विच द वायर टू पॉइंट, मतलब करंट का डायरेक्शन ये है फोर फिंगर से, राइट हैंड में फोर फिंगर से जो करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इधर ले आएंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। वैसे ही यहाँ पे था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और करंट की डायरेक्शन ये थी, तो अगर इसको हम इधर ले आते हैं करंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो थंब जो होगा वो नीचे की ओर होगा, और नीचे की ओर होगा इसलिए नीचे की ओर करंट की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज के दो केसेज लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसे देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्जेज अगर हमने लिया, ध्यान से देखें, तो इसमें क्या होगा,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये है किसकी डायरेक्शन, मोशन ऑफ करंट की डायरेक्शन। अगर यहाँ से हम इधर की ओर ले जाएंगे तो थंब जो होगा ऊपर होगा, बट अपवर्ड होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये इधर है तो निगेटिव चार्जेज है, तो क्या होगा कि ये निगेटिव चार्जेज की वजह से अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि पॉजिटिव चार्जेज के लिए रूल बने हैं, निगेटिव चार्जेज के लिए उसका रेसिप्रोकल होगा। तो निगेटिव चार्जेज में फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्जेज में जो फोर्स लगेगा वो थंब के डायरेक्शन में लगेगा। निगेटिव चार्जेज होंगे तो फोर्स के डायरेक्शन के, थंब के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज दोनों के लिए ये फिगर दिया गया है। इस फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं, वी को बी की तरफ ले जाना है, अंगुलियां आप राइट हैंड की ले जाइए, V को B की तरफ ले आइए, तो देखिए अंगूठा थंब जो है ऊपर की ओर होगा और वही थंब जो होगा फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इससे पैरेललोग्राम लॉ से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो पैरेललोग्राम लॉ से हम निकाल सकते हैं। एक इसमें V है, एक B है। तो अभी तक जो हमने सीखा उसमें हमारा फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल जब हम इस्तेमाल करेंगे तब जो ये होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये है मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, जब राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, थंब जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है, ये फील्ड किस तरह का होता है, ये कॉन्सेंट्रिक होता है वायर के कोरिस्पोंडिंग, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर होता है, और इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो फील्ड के स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उस पे निर्भर करता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी पे निर्भर करता है। यानी कुल मिला के फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन, और थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, वो मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल है। तो इस तरह से क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। इसको तब तक अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए, बेसिक चीज है, इसको समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए हमें, ठीक है। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस।